यही जिंदगी में रहा क्या जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी से हम लोग कभी बाहर निकले ही नहीं, हमेशा कभी कुछ जिम्मेदारी कभी कुछ जिम्मेदारी कभी कुछ जिम्मेदारी, हमेशा एक सृष्टि आई उसकी जिंदगी जब से हम लोग शादी किए, हमेशा जिम्मेदारी इस जिम्मेदारी से बाहर निकलना, जिम्मेदारी से बाहर निकलने का मौका आ गया, थोड़ा सा नहीं जिम्मेदारी तो है कि चलो यार अपनी सिटी अपना स्टेट छोड़ के थोड़ा सा हम लोग दो चार दिन के लिए कहीं जा रहे हैं। अब चलो घूमेंगे, थोड़ा सा बाहरी हवा खाएंगे, बाहरी दूसरी जगह का पानी। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आई होप अच्छे नहीं होंगे, ये मेरी व्लॉग है। और मैं बता दूं, मैंने अभी मम्मी का मैं जा रहा व्लॉग शूट करने, तो अपना व्लॉग बनाने लगी, मेरा व्लॉग नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है ना कुछ इन लोगों को। अच्छा अच्छा, तब बनाई तब ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की व्लॉग जो है वो मैं क्या बोलूं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे और मेरे पति देव आओ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे आयुष की शादी को कई साल हो गए ना, एक तरह देखा जाए लोगों को मुद्दत तो नहीं बीती है, मगर हाँ जितने भी साल हुए हैं, मतलब एक तरह देखा जाए तो ठीक ठाक समय से हम लोग एक साथ रह रहे हैं। और इत्तेफाक ऐसा रहा हम लोग के जीवन का कि यार हम लोग कभी एक दूसरे के साथ कभी कहीं नहीं गए, इसी चार दीवारी के अंदर हम लोग अभी हम लोग की जिंदगी ना, मतलब इसी चार दीवारी इसी छोटी सी सिटी में ही गए हैं, पर ये घूमने के पर्पस से नहीं गए। कहाँ गए बेटा? दिल्ली गए थे जो स्टॉप के लिए, मतलब गए हैं पर घूमने के पर्पस से नहीं, कोई काम से। तुम जैसे बताओ, दिल्ली बता दो ना, दिल्ली गए थे तो जो स्टॉप का मतलब गए थे तो काम से गए थे, कोई घूमने। और आप लोग कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? सही नदी देखने गए थे। सही नदी जो बता रहे ना, ये हमारे शहर में ही घर के पिछवाड़े चलती है। तो मतलब ऐसा जिंदगी का इत्तेफाक हो गया यार कि हम लोग कभी कहीं नहीं गए, और देखा जाए तो हम लोग की जब से शादी हुई कहीं नहीं गए। हाँ। मतलब कहीं नहीं का मतलब होता है कि कहीं नहीं, जिंदगी के इतने लम्हे, बच्चे बड़े हो गए, सयान हो गए। हाँ। मगर हम लोग अगर निकले भी हैं तो प्लान भी किए हैं, तो अपनी स्कूटी या फोर व्हीलर जो भी है उस पे पहले तो मतलब हम लोग के पास स्कूटी थी, यहाँ से निकलते हैं फिर सिटी के अंदर जाते हैं, अपनी शॉप वगैरह का सामान लेते हैं, वापस रिटर्न आते हैं। और अगर हम लोग कभी अदर बदर मतलब अगल बगल, मतलब जैसे हम लोग रायबरेली में रहते हैं, तो हम लोग की सिटी से जैसे लखनऊ पास पड़ता है, इलाहाबाद पास पड़ता है, और सुल्तानपुर पास पड़ता है, और क्या प्रतापगढ़ पास पड़ता है, तो जैसे इन सिटियों में कभी गए भी हम लोग, तो जैसे कभी मतलब कोई काम से गए, मतलब कोई जरूरत थी वहां पे गए इसलिए गए, मगर कभी ऐसा कभी कोई पर्पस नहीं हुआ कि हम और मेरे हस्बैंड कभी हम लोग कुछ टाइम मतलब दो तीन चार दिन कहीं हम लोग मतलब रहे हों, और कहीं टाइम एक्सपेंड किए हों कि हम ही ये हों, और कुछ मतलब कुछ अच्छा सा कुछ टाइम एक्सपेंड किए हों, कभी नहीं यार, कभी नहीं हुआ। दिल्ली गए हम दोनों, पहली बार दिल्ली गए थे जो स्टॉक के चक्कर में गए थे, वहां पे आप विश्वास मानिए गए, आप लोग मेरे मिल ब्लॉग देखेंगे तो वहां पे मतलब रात भर ट्रेन में सुबह स्टेशन पे, फिर उसके बाद स्टेशन से जहाँ पे जो स्टॉक ऑफिस था वहां पे गए, फिर वहां पे हम लोग क्या किए, वहां पे जैसे ही हम लोग का जैसे सूट हो गया, फिर हम लोग की रिटर्न की मतलब फिर हम लोग एक घंटे की बात की ट्रेन थी, और फिर हम लोग तुरंत वहां से रिटर्न हो गए। एक तरह देखा जाए तो हम दोनों कहीं गए ही नहीं, और अब हम आपको बताएं कि अब हम लोग को कहीं जाने का मौका मिल रहा है, अपनी सिटी को छोड़ के, अपनी अगल बगल की सिटी को छोड़ के, स्टेट छोड़ के मतलब कहीं जाने का मौका मिल रहा है। हमेशा यही जिंदगी में रहा क्या जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी से हम लोग कभी बाहर निकले ही नहीं, हमेशा कभी कुछ जिम्मेदारी कभी कुछ जिम्मेदारी कभी कुछ जिम्मेदारी, हमेशा एक सृष्टि आई उसकी जिंदगी जब से हम लोग शादी किए, हमेशा जिम्मेदारी रही, हम तो भूल ही नहीं पा रहे, जिम्मेदारी इस जिम्मेदारी से बाहर निकलना, जिम्मेदारी से बाहर निकलने का मौका आ गया, थोड़ा सा नहीं जिम्मेदारी तो है, पर एक साथ एक मतलब एक बहाना है, एक तरह देखा जाए तो एक बहाना है कि हम दोनों को साथ निकलने का, एक बहाना है कि चलो यार अपनी सिटी अपना स्टेट छोड़ के थोड़ा सा हम लोग दो चार दिन के लिए कहीं जा रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, हमेशा से ना जाने का रीजन भी यही बना कि शुरुआत में हम लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब लोग बहुत मिडिल क्लास में ही जिंदगी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं हम लोग का बजट इतना ज्यादा मतलब नहीं अलाउ होता था कि हम लोग कहीं जा पाए, पहला तो ये भी था। ये तो है, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, कहीं कोई प्लान करना है उसके पहले पूरा मैनेजमेंट करना है, ये सब कुछ करना है तो ये चलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आगे चल के फिर उसके बाद बच्चे पढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे करके मेरा पार्लर खुला, फिर पार्लर में भी आप जब पार्लर जैसा बिजनेस कर लेते हो ना, तो क्या होता है ना,
पता है कस्टमर आने जाने लगते हैं, जब कभी शादी किसी के यहाँ शादी भी पड़ती कुछ भी पड़ती तो वहां पे हम नहीं जा पाते थे। क्यों नहीं जा पाते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं शादी के समय हमारा पार्लर इंगेज चलता था तो हम लोग का जाने का कभी हो ही नहीं पाता था। आजकल जितना वेडिंग सीजन वगैरह चलता था उस डेट में तो हम लोग खाली नहीं रहते थे ना कभी, इसलिए हम लोग रिलेशन वगैरह में भी कहीं नहीं जा पाते थे, इसलिए कभी नहीं जा पाते थे। तुम्हारी ब्राइड ही लगी रहती थी? हमेशा ब्राइड लगी रहती थी, एक जिम्मेदारी रहती थी कि हम लोगों का ब्राइड है, हम कैसे जाए। उसके अच्छा पार्लर से जब सोच से ठीक ठाक फैमिली का धक्का लगा के चलने लगा तो भी कहीं उसके बाद थोड़ा बहुत क्या था कि एक और जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं मम्मी है घर पे तो मम्मी को भी छोड़ के जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक नहीं लगती थी कि ज्यादा लंबे समय तक हम लोग कहीं जाएं। तो बहुत कुछ हुआ कि हम लोग कहीं नहीं गए और अब हम लोग को कहीं जाने का मौका मिला हुआ है। एक मौका मिला और अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं और हम लोग 3-4 दिन के लिए साथ में ही जा रहे हैं। बोलो यार, मैं बोल ही नहीं पा रही। अब चलो घूमेंगे, थोड़ा सा बाहरी हवा खाएंगे, बाहरी दूसरी जगह का पानी में बदलाव आएगा। नहीं कहते नहीं कि पानी बदलाव क्या आएगा, बस ये है कि थोड़ा घूमने को मिल जाएगा, आप समझेंगे एक दूसरे को और ज्यादा। कहते ना टाइम स्पेंड करने से ज्यादा आदमी समझना है के आंसू कहे किस चीज के आंसू तो है। अब अच्छा लगेगा हम लोग बाहर, अच्छा लगे तो फाइनली गाइस आप लोग को पता नहीं होगा, हमने सोचा आप लोग को अपडेट दें कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं और हम लोग किस समय ब्लॉग में आप जरूर बने रहिएगा। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ये भी हम जल्दी से अपनी नेक्स्ट ब्लॉग का आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और बस हम लोग का ये था कि मम्मी से परमिशन लेना था कि मम्मी और मेरा, हम आपको बता दें इसमें जा कौन कौन रहा है। हम जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मेरा छोटा वाला बेटा जा रहा है। और इसमें एक्चुअली पहले हम लोग का डिसाइड नहीं हुआ था कि हम लोग जाएंगे, मगर मम्मी कहीं कि हम रह ले भाई, हमका कोनो दिक्कत ना है ना कि, और मीत भी कहे हमारे बड़े वाले बेटे भी कहे कि नहीं मम्मी आप जाइए आप घूमाइए और कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 4-5 दिन मैनेज कर लेंगे। तो हम लोग ने फाइनली प्लान किया है और हम लोग बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दूर जा रहे हैं, इसलिए हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। और मम्मी साहब को मिलाते हैं। क्यों मम्मी हम जाएं घूमने? क्यों प्रीत जी? मम्मा जाइए हम भी तो चल रहे हैं। इसमें केवल मम्मी और मीत नहीं जा रहे और हम तीनों लोग जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं हुई अभी, अभी इनकी कोई तैयारी नहीं हुई है, पता नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। और आप लोग हमको, मुझे एक चीज का विश्वास है कि मैं जहाँ जा रही हूँ आप लोग मुझे देख के वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि कुछ खास है नेक्स्ट ब्लॉग। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी, जब आपको बताऊंगी ना तो लोग उछल पड़ोगे कि दीदी आप सच में वहाँ जा रहे हो। तो बहुत कुछ होने वाला है बड़ी, अभी तो मेरा शॉपिंग चल रहा है थोड़ा बहुत और खत्म ही नहीं हो रही। तुम्हारी यार फर्स्ट टाइम हम लोग निकल रहे हैं कहीं बाहर, इनको इतना एक्साइटमेंट है, इतना ये जानते क्या खरीद लो वो भी खरीद लो, होता क्या है ना यार, हम लोग को शॉपिंग करने की हैबिट तो है नहीं ज्यादा, हम लोग कभी कहीं गए तो है नहीं, हम लोग समझे नहीं पड़े हम लोग खरीदे क्या यार। ये बात तो है। दूसरी चीज यार, हम लोग की शॉप में हर चीज मिल रही हम लोगों को, तो हम लोग को सोचते कुछ अलग हट के मिलू, हट का कहीं मिलना ही नहीं हम लोग को, है कि नहीं? यही तो और सारा दिक्कत है। तो बहरहाल आप इतना जान लीजिए कि हम लोग सदियों बाद कहीं जा रहे हैं, मतलब हम लोग एक दूसरे के सदियों ही हुआ है यहाँ पे यार, हर महीने लोगों का टूर बन जाता है, हम लोग का हो ही नहीं पा रहा कुछ। मतलब जो ये सृष्टि आयुष कपल देख रहे हैं, ये शादी के इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम हम दोनों इतनी दूर कहीं जा रहे हैं, तो उसका एक्साइटमेंट है। ये आंसू खुशी के या दुख के मुझे नहीं पता, अबकी बार जम के एंजॉय किया जाए। जम के एंजॉय के देख पूरे रास्ते पे और पूरा एकदम एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो जो भी कुछ है अगले अपडेट जो भी होगी वो बहुत मजा आने वाली, और आप लोग मुझे देखोगे ना तो सच्ची बता रही हूँ आप बहुत खुश होने वाली। सृष्टि दीदी वाओ आपने क्या किया, अच्छा वो आप घूमने चली गई। हम लोग कोशिश करेंगे हर वीडियो में बराबर आपको सारी अपडेट देते रहे, तो इसलिए मेरे वीडियो को अभी तक आप मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फटाफट हम लोग को देखते रहे कि हम लोग कहां जा रहे हैं और क्या एंजॉय कर रहे हैं, कैसे हैं। और फिर आप बस आपकी सृष्टि दीदी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलने वाली और नए अपडेट के साथ मिलने वाली कि मैं कहां जा रही हूं, क्या क्या लेके जा रही हूं, क्या क्या है, सब कुछ एकदम बड़ी बड़ी से अपडेट दूंगी यार। वहाँ पे हम लोग कुछ बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग भी करेंगे वहाँ पे, अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो, है ना? ये तो कहने वाली बात ही नहीं, बिल्कुल 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 करेंगे। मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग खत्म करती हूँ, अगली ब्लॉग जरूर देखिएगा, मैं जा कर आ रही हूँ, बहुत खुश होने वाले हो। बाय।